सलाम एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ना मैं इंट्रो अभी यूनी से आ गई हूँ, लेकिन मैंने जब जा रही थी ना मैं यूनी, तब मैंने इंट्रो शूट करा था, लेकिन इतना कोई बुरा है उसमें आवाज़ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। पर खैर कोई बात नहीं, अभी मैंने इंट्रो शूट कर लिया और आगे का व्लॉग आप लोग जाके देखें। आज मेरी ना लगातार 4 घंटे फैशन की क्लास थी, उसके बाद मेरी इटालियन की क्लास थी, और मुझे इतनी कोई सुस्ती हो रही थी ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। फिर मैं अपने आप को ये मोटिवेट ऐसे कर रही थी, मैंने कहा नहीं, पहले ही 2 हफ्ते मैं नहीं आई हूँ, बहुत पीछे हूँ, मुझे जल्दी जल्दी करना है, करो करो करो। फिर इतनी मुश्किलों से मैंने काम करना स्टार्ट किया है। मैं आज 2 हफ्ते बाद यूनि आई और मुझे एक और खुशखबरी मिली है कि मेरा मतलब परसों मेरी वेकेशन से, मतलब वेकेशंस क्या, कोई फेस्टिवल वगैरह जिसकी 5 दिन की छुट्टियां हैं, तो फिर 5 दिन की मेरी यूनि नहीं है, मतलब 5 दिन तक मेरी कोई क्लास वगैरह नहीं है। पर उससे पहले इतने असाइनमेंट्स दे दी हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा भाई मैं अपनी बस मिस नहीं कर सकती, भले समझ आया ना। मैंने मिस को बोला कि मिस ठीक है मुझे समझ आ गया, अब मैं उनको घर जाके मैसेज करूँगी और फिर देखते हैं कितनी इज्जत होती है। पर खैर अभी देखते हैं बस का, और मेरी सांस बहुत फूल रही है, मुझे भूख भी लग रही है, बोलना नहीं चाहिए रोज़ों में। पर खैर इतनी खुशी खुशी आ रही थी ना मैं, सारी मेरी खुशी ना ख़राब हो गई। मतलब कि यहाँ पे आके देखा मैंने दोस्त नहीं बैठी हुई वहाँ पे बस स्टॉप पे, मतलब बस चले गई। उसके बाद अभी जब मैं यहाँ पर आई, बस यहाँ थी और मैं उधर थी, लेकिन बस वाले ने रोकी नहीं और मेरी बस निकल गई। अब आएगी 30 मिनट के बाद तकरीबन। हम मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरी दोस्त चले गई, लेकिन वो भी यहीं पर ही है, वो थोड़ा सा आगे गई थी कुछ लेने के लिए, और वो आके मुझे सुना रही है। मैंने कहा मतलब मैं अगर बस ले ली तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा था, तो कहती है नहीं वहाँ पे आप आओ। मैंने कहा वहाँ गर्मी हो रही है, कह रही यहाँ बड़ी सर्दी हो रही है। पर खैर जब नसीब में ना हो ना तो कुछ नहीं कर सकती। 12:40 पे मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी और बस आई 1:30 पे, मतलब इतना लंबा। और मैं मोनोपति तो इसलिए लेके जा रही हूँ तो इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्योंकि इस वजह से वो 30 की स्पीड पे चलती है, मतलब पाकिस्तान के जो बाइक्स वगैरह होती हैं नॉर्मल, तो उनकी स्पीड पे चलती है, और मुझे उस पर डर लगता है। मैं कहती हूँ नहीं भाई, आज तो मैंने पहनी भी लॉन्ग फ्रॉक थी, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं लेके जा रही। भाई ने कहा 15 की स्पीड पर कर देता हूँ, ले जाओ कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं 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 मैं नहीं लेके जा रही, मैं पैदल ही चल जाऊँगी, और उसके चक्कर में आज मैं ख्वार। आज का दिन मेरा ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है कि भाई के अभी भी मैसेज आया है कि तुम घर आओ, तुम्हारी खैर नहीं है क्योंकि तुम्हारा पार्सल आ गया है। और मैं यही सोच रही थी मेरा पार्सल जब नहीं आना चाहिए, जब मैं घर पर ना हूँ, क्योंकि उस पार्सल में मैंने रिंग लाइट मंगाई, रिंग लाइट में काफ़ी टाइम सोच रही थी, क्योंकि मेरी जो पहली रिंग लाइट थी तो जहर से मेरा घर में ब्लास्ट हुआ तो वहीं पर ही थी, और मुझे रिंग लाइट लेनी थी, तो वो रिंग लाइट थी उसके अंदर और 2-3 फालतू की चीज़ें थी। तो भाई कहता है अब घर पर आऊँ, मम्मा तुम्हारा घर पर नहीं आने देना है क्योंकि जो फालतू चीज़ें आई हैं ना तुम्हारी। अच्छा मुझे मम्मा ने कल ही कहा था आपको तुम्हारा पार्सल नहीं आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं व्लॉग में नहीं दिखाती, तो बहुत सारे मेरे पहले ही पार्सल आ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, मम्मा का भी एक पार्सल अभी आना है कल परसों में, जिसमें मैंने सिर्फ किचन की चीज़ें मंगवाई हैं। माशाल्लाह ढीठ मैं इतनी हूँ ना कि जो मम्मा का मैंने पार्सल मंगवाया, किचन की चीज़ें मंगवाई, उसमें भी मैंने 2-3 फालतू की चीज़ें मंगवाई जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी मैंने वो मंगवाया है। और जब वो पार्सल आएगा उसमें मेरी अलग डांट पड़ेगी, मतलब मेरी डांट ही, जब जब पार्सल आते हैं ना मुझे डांट पड़ रही होती है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई चीज़ फालतू ज़रूर होती है। और ये कुछ मतलब लास्ट मंथ और ये मंथ जो है, मतलब जनवरी फैब और मार्च का महीने में बहुत मैंने फालतू खर्च करा है, बहुत फालतू ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई हैं, जिसकी वजह से मेरी बहुत क्लास लगी, लेकिन मैं माशाल्लाह ढीठ इतनी हूँ, मुझे अक्ल अभी भी नहीं आई है। पर कोई बात नहीं, अभी ऊपर जाते हैं, मुझसे डांट सुनते हैं और देखते हैं क्या क्या है। और फिर मम्मा से थोड़ी बहुत डांट सुनने के बाद, वार्निंग मिलने के बाद, अब मैं जा रही हूँ सोने, सोहर वगैरह पढ़ के अब मैं उठूँगी 4 बजे, क्योंकि अभी 2 बज रहा है, अगर मैं नहीं सोई तो मैं हो जाऊँगी बेहोश, तो इसलिए अभी सोते हैं, फिर उसके बाद असर पड़ेंगे उठ के, और फिर देखेंगे अफ्तारी में क्या करना है, क्या बनता है अफ्तारी में। गुड नाइट। सो के उठ गई थी, सो के तो खैर मैं नहीं उठी, सोई तो मैं नहीं थी, क्योंकि जब 1 घंटा सोना होता तो मुझे ऐसी टेंशन लग जाती है यार, 1 घंटा सोना मतलब इतनी जल्दी मैं कैसे उठूँगी, चले तो उस टेंशन में सो ही नहीं पाती। पर खैर अभी मैं दिखाती हूँ जो मैंने चीज़ें मंगवाई है, और मम्मा से कुछ भी नहीं हुआ, ज़्यादा इतना कुछ कहा नहीं हुआ, मैंने से वार्निंग मिली है। कैफे मंगवाया था और भाई लोग की चेन वगैरह कुछ मंगवाई थी, और ये स्क्रंची मैंने मंगवाई है जिसमें से मैं एक निकाल चुकी हूँ अभी और लगाए हुए मैंने बालों में, तो ये स्क्रंची का मुझे कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये मैंने वो मंगवाई है मैं, क्योंकि हाफ स्लीव्स जो है अब मैं नहीं पहनती, तो उस वजह से मैंने ना ये मंगवाई थी। और एक ये था,
और एक मैंने ना बड़ी काम की चीज़ मंगवाई थी, मैंने मुझे याद नहीं आता कि मैंने ये भी मंगवाया है। ये जो है ना वो है मशीन है जिससे आप रेड थ्रेड वगैरह बना कर सकते हो, और मतलब वो मशीन है, ये बड़ी काम की है। मतलब इससे आप पल्ले वगैरह बना सकते हो आप लोग, वैक्स वगैरह, क्योंकि वैक्स करने में ना बहुत टाइम जाता है, बहुत झंझट होती है। मैं वैक्स मशीन भी लेके आई थी शुरू शुरू में, कि मुझे बड़ा शौक चढ़ रहा था, लेकिन उससे ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा ये है, चार्ज होता है ये, और ये जो है ना मतलब लाइट है, इसके ऊपर लाइट है। आप इसको निकालो ऐसे करके, और इसको आप क्लीन कर लो उधर से, और इसको वापसी लगा लो। ये बड़ी बड़ी कोई काम की चीज़ है, तो ये मंगवाई थी मैंने। और ये जो है ना दो दो तीन उसकी आती है, मतलब एक जैसे ये है ऐसा, इसके ऊपर का ऐसा है, मैं ऐसा वाला यूज़ करती हूँ। और एक होती है बिल्कुल फ्लैट, वो होती है मतलब कि उठी भी नहीं होती, मतलब बिल्कुल ऐसी होती है। कैसी होती है मतलब, मैं कैसे समझाऊँ, जैसे ये हटा दिया ना मैंने ऊपर का अगर, तो ये ऐसे मतलब ऐसी वाली होती है। तो वो वाली मैंने एक दफ़ा यूज़ करी थी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ हमेशा। गिर गई, और इसका अंदर का गायब हो गया, बिल्कुल वो छोटा सा है। और यहाँ पे जो है ना मशीन को मेरे ऐसा लग गई थी, मिल ही नहीं रहा था, मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी। मैंने कहा मम्मा आएंगी ना, मैं मम्मा के हाथों कतल हूँ आज तो। लेकिन फिर अफ्तार का टाइम हो गया था, मैंने कहा मम्मा को मैं बाद में बताती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग ने चीज़ कटलेट्स वगैरह तले थे, और पता नहीं क्या क्या तला था, वन बाइट रोल वगैरह तले थे। और मैं बाकी ना मतलब मुझे इतनी टेंशन हो रही थी उस टाइम पर कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था शूट करने का। चिकन पॉपकॉर्न वगैरह दूसरे मैं सैंडविच का कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा क्योंकि अफ्तार का टाइम हो गया था। फिर मम्मा ने मुझे ला के दिया, मैंने मम्मा को जब बताया तो मम्मा ने फिर ढूंढ के मुझे ला के दिया। मैंने कहा ये लो, अगर मैं ना हूं ना तो इस घर में कुछ काम ही नहीं हो सकता, आंखें तो है ही नहीं ना। फिर मैंने अपने भाई के साथ थोड़ी देर पबजी खेला, और इस व्लॉग में सब कुछ मेरे साथ गड़बड़ी हुई है, पर एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो खैर, मिलती हूँ मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।